घने जंगल में दो चिड़िया, रानो और मीना चिड़िया, आमने सामने रह रहे होते हैं। रानो चिड़िया के दो छोटे छोटे बहुत ही प्यारे बच्चे होते हैं। दोनों चिड़िया आपस में बहुत ज्यादा मिलजुल कर रहती थी। एक दफा रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लेने जाती है तो खाना लिए बगैर ही वापस आ जाती है। मीना चिड़िया ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। रानो चिड़िया, तुम तो अपने बच्चों के लिए खाना लेने गई थी ना? क्या बताऊं मीना चिड़िया, मैं जैसे ही खाना लेने दूसरे जंगल गई, वहां तो सैलाब आ गया है। बहुत सारी चिड़िया और उनके बच्चे पानी में डूब गए हैं और मर गए हैं। मुझे बहुत डर लगा, इसलिए मैं वापस आ गई हूँ। मीना चिड़िया ये सब सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अच्छा, हमें सैलाब सदगान की मदद करना चाहिए। हमें वहां पर जरूर जाना चाहिए और उनकी मदद करना चाहिए और उनकी जान बचाना चाहिए। दोनों चिड़िया ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं और कहती हैं, हमें देखना चाहिए कि शायद इनमें से कोई परिंदा जिंदा हो, लेकिन यहाँ तो पानी ही पानी है। बहुत से परिंदे जान से हाथ तो बैठे हैं। चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो दोनों चिड़िया अब जाने ही वाली होती हैं कि उनको एक चिड़िया का बच्चा नज़र आता है। वो देखो, चिड़िया का बच्चा जिंदा है। हमें इस बच्चे को भी लेकर अपने साथ चलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी अपनी जान खो बैठे। जंगल में बहुत सारे परिंदे बेघर हो जाते हैं। अनाज डूब गया होता है, जिसकी वजह से खाने पीने की किल्लत हो जाती है। तेज बारिश में भीगने की वजह से चिड़िया और परिंदे बीमार हो जाते हैं। बारिशों और सैलाब की वजह से सोनू चिड़ा का घोंसला गिर गया होता है। सोनू चिड़ा सैलाब की तबाहकारियों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। एक दिन सोनू चिड़ा अपनी बहन के घर जाता है। हमारे जंगल के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं और कोई हमारी मदद को नहीं पहुंचा है अभी तक। तो इसकी बहन कहती है, आजकल तो इंटरनेट का दौर है भाई, आप परेशान ना हो, मैं रेस्क्यू टीम को सारे हालात के बारे में बताती हूँ।
ये कहकर वो रेस्क्यू टीम को फोन करती है और जंगल के सारे हालात बताती है। जी जी बहन, सैलाब से बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान हुआ है। हमने आपके जंगल को लोकेट कर लिया है। हम वहाँ इमदादी कैंप लगाने वाले हैं। हमारी टीम बहुत जल्द आपके जंगल में पहुँच जाएगी। रेस्क्यू टीम अनाज और खाने पीने की अशिया लेकर रवाना हो जाते हैं। इमदादी कैंप वाले सारे परिंदों में अनाज तकसीम करते हैं। इमदादी कैंप वाले सारे परिंदों में अनाज तकसीम करते हैं। क्या बात है बहन, आप कुछ परेशान लग रही हैं। मुझे आपकी तबीयत खराब लग रही है। जी जी बहन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रात में बहुत तूफानी बारिश हुई है। बारिश की वजह से मेरे घर के अंदर पानी आ गया था और रात भर भीगने की वजह से मेरी तबीयत खराब है। सोच रही हूँ कि डॉक्टर के पास चली जाऊँ। अल्लाह आपको सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। डॉक्टर्स वहाँ इमदादी कैंप लगाते हैं। बीमार परिंदों का चेकअप करते हैं। डॉक्टर्स सारे परिंदों का मुफ्त में इलाज भी करते हैं। इमदादी कैंप वाले सारे परिंदों को खाना खिलाते हैं। चैनल को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि मजेदार स्टोरी सुनते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली स्टोरी आप तक पहुंच सके।